So, जिधर अपन आज क्या कवर करेंगे मीठा मीठा प्यारा प्यारा हमारा एफ आर का मे ट्वेंटी फोर का आर टी पी ठीक है सर पहले बताओ आरटीपी है कैसी Decent है डिसेंट है ठीक है थोड़े से के स्टडीज है जिस सीखने मिलेगा अपने को आ, आप समझ लो काफी सारे क्वेश्चन जो अपने मॉडल में वही है चंद क्वेश्चन न्यू है तो अपन वो सारा डिस्कशन करेंगे ठीक है तो इसके अंदर अपन आरटीपी का एक होलसम डिस्कशन करेंगे मैं पहले बता दूं जो क्वेश्चन सेम है उसको मैं नहीं करवाऊंगा जो न्यू क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा भी नया पार्ट है वो मैं सारे सोल्व करवाऊंगा सारे के सारे, के सारे केस स्टडी जो भी दिए हुए उसके एमसी के वो सब सोल्व करवाऊंगा ठीक है ताकि आपका भी टाइम बचेगा क्योंकि आप जब मुझे लगता है जब आप ये वीडियो देख कही कही रहे, रहे हो तब कहीं ना कहीं आप टाइम कंस्ट्रेंट से जूझ रहे रहोगे राइट तो अननेसेसरी जो ऑलरेडी किया हुआ है उसको वापस गप्पा गोष्टी करके क्या सेंस बनेगा राइट तो अपन जो भी काम की चीज है उसकी बातें कर लेंगे उसके अलावा ये जो मैं आरटीपी सॉल्व कराऊंगा इसकी जो मैं मार्किंग uh, वगैरह करूंगा जो बोर्ड नोट्स बनाऊंगा वो मैं मेरे टेलीग्राम पे डाल दूंगा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां जाकर ज्वाइन कर लो डाउनलोड कर लो आराम से आपको एकदम मजा आ जाएगा ठीक है चलो तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट स्टार्ट अ मीठा डिस्कशन ऑफ एफ की मे ट्वेंटी की आरटीपी चलो आ जाओ सबसे पहला केस नंबर अच्छा आपको मैं केस सॉल्व करने का अप्रोच बताऊ कभी भी आपको दिखे ना केस सीनारियो तो पहले एक देखो क्या क्या है तो मैं बोलू एक केस है उसके अंदर दूसरा पैराग्राफ है पॉइंट नंबर टू और फिर तीसरा पैराग्राफ है पॉइंट नंबर थ्री कितने एमसीक्यू दिख रहे पांच पहले हमेशा एमसीकू पढ़ा करो एमसी ऊपर से पढ़ने का डिटेल में नहीं ऊपर ऊपर से ताकि आपको मालूम पड़े जब केस स्टडी पढ़ रहे हो तो कौन से पॉइंट के ऊपर एमसीक्यू है नीचे तो एक अपनी अप्रोच चेंज हो जाती है ठीक है तो टोटल पांच एमसीक्यू है अब सबसे पहले क्या है वो बोलता है

ये अप्रोच है ना मैं 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 मीएफए के अंदर फॉलो करता था ठीक है सी एफ एम में लेवल टू में केस बेस्ड एमसी को जाते थे तो उसमें पहले मैं हमेशा एमसी को पढ़ता था फिर केस पढ़ता था इजी होता था मेरे लिए तो मुझे समझता है चलो प्रोडक्शन लाइन पे तीन एमसी की है अब देखते क्या बोलता है

एम टी आर टी वाला सेक्शन है उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर टू के आसपास कुछ है तो ऑलरेडी कवर होता है बट स्टिल मैं कराऊंगा क्योंकि केस बेस्ड के ऊपर है तो क्या बोलता है फर्स्ट प्रोडक्शन लाइन इन कॉस्ट रिलेटेड टू कौन से कॉस्ट कौन से को है। सबसे पहले बेसिक मटेरियल तो लेट प्राइस टॉइंट फाइव है लेडकाउ ट्रेड डिस्काउंट भी कंसिडर नहीं करते तो कंसिडर तो करूंगा चलो मैं लिखता हूँ कैपिटलाइज कितना टेन लैस उसके अलावा रिकवरी

प्रोडक्शन लाइन टू टू मंथस टू गेट रेडी दो महीने काम चला है तो इंप्लॉय कॉस्ट भी आपको सिर्फ दो महीने का ही कैपिटलाइज करना चाहिए तो ये जो 1.2 पॉइंट टू ये तो तीन महीने का है हमको दो महीने का निकालना पड़ेगा तो मैं ऐसा बोल दू वन पॉइंट टू इन टू टू मंथस डिवाइड बाय थ्री मंथस तो आपको मिलेगा चलो पॉइंट एट जीरो मिलेगा वॉट अबाउट द रिमेनिंग पॉइंट फोर जीरो जो रिमेनिंग पॉइंट फोर जीरो है वो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाता है

टू इंटू पॉइंट सिक्स एट विच वींटी अगर टोटल करोगे तो कितना आएगा प्लस टेन प्लस, 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 प्लस वाली भी, तो, टोटल प्रोडक्शन लाइन जो भी बना रहे हो ये रेडी हुई है थर्टी फर्स्ट मे को ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कोई कुछ नहीं बोलेगा इन्होंने बोला वो ये चीज ठीक <coughs> है इन्होंने बोला हुआ कि रेडी थर्टी फर्स्ट मे को हुआ है ओके सर ये हमने डेटा निकाल लिया उसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन थी फोरअर्स आफ्टर बींग यूज बॉट इन टू यूज प्रोडक्शन लाइन विल रिक्वायर अ मेजर ओवरहॉल इसका मतलब आपका जो भी डे वन का अमाउंट आएगा उसमें थोड़ा अमाउंट इंस्पेक्शन के लिए रहेगा हम याद है कॉम्पोनट अकाउंटिंग अप्लाई करते हैं इंस्पेक्शन के लिए और बाकी आपके प्रोडक्शन लाइन के लिए होगा ठीक है इंस्पेक्शन वाली जो ओवरऑल वाला लाइफ है उसका वैल्यू है थ्री ईयर्स उसकी लाइफ होगी फोर उसकी सॉरी उसकी लाइफ है फोर ईयर्स और उसकी वैल्यू है थ्री लैक्स उसकी वैल्यू कितनी है थ्री लैक्स तो मैं बोलूंगा टोटल थर्टीन पॉइंट टू सिक्स में से थ्री लैक्स इज फॉर इंस्पेक्शन उसकी लाइफ है फोर इयर्स और बाकी टेन पॉइंट टू सिक्स इसकी लाइफ एट इयर्स है ये बात आप ध्यान रखना ठीक है चलो तो मैं नीचे लिख दू थोड़ा सा जगह नहीं बन रहा है मेरे पास इसको अपन ऐसे उठा के यहां ले आते और बोलते इसकी लाइफ है एट ईय ठीक है चलो अब इस पे तीन एमसीक्यू देना नो इंपेयरमेंट रेड इंपेरमेंट वगैरह अब आता एमसी एमसीक्यू पे मेरे से एमसीक्यू नंबर वन तो था क्या बोलता है ऑफ द फॉलोइंग आइटम नीड टू बी कैपिटलाइज इनमें से कौन सा कैपिटलाइज करोगे तो अब नॉर्मल खर्चे नहीं होते रिकवरेबल जीएसटी नहीं होता डिस्पेंटलिंग होता है लेकिन प्रेजेंट वैल्यू पे होता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू दे रखिये ऑप्शन नंबर फोर में वन पॉइंट थ्री सिक्स आपने ऑलरेडी निकाल दिया लो भाई मजा आ गया सर कितने मार्क का आएगा मुझे लगता है एमसीक्यू दो माँ का होना चाहिए यार अब एमसीक्यू नंबर टू वॉज कैश फ्लो वो अपन ने पढ़ा नहीं है एमसीक्यू थ्री वॉज बेस्ड ऑन सम लीगल एक्शन पढ़ा नहीं है एमसीक्यू नंबर फोर प्रोडक्शन लाइन के ऊपर है क्या बोलता है कंप्यूट द टोटल अमाउंट टू बी चार्ज टू पी एन एल विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन लाइन एंड बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट कैरेट टू बैलेंस शीट इस एमसीक्यू में दो अमाउंट पूछा है एक पी एन एल में कितना जाएगा सेकेंड प्रोविजन जो बनेगा आपका डिसमेंटलिंग का वो प्रोविजन का अमाउंट क्या रहेगा बट कब 13 का ये डे की 1.36 मत बोलना 1.36 तो अपना 31 मे का वैल्यू है प्रोविजन

टोटल टोटल अप करो इट विल कम टू वन पॉइंट फोर वन सिक्स टू ले लू अप्रॉक्स तो पहला अमाउंट पूछा था पीएल में कितना जाएगा सेकंड पूछा है बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डी कमिश्निंग कितना बनेगा डी कमिश्निंगोर टू अब आप देखोगे तो सेकंड वाले फिगर्स है वो डी कमिश्निंग के फिगर्स है तो कितना आता है 1.42 ये मैं बताऊं मैं बिना पहला वाला अमाउंट निकाले भी सॉल्व कर सकता हूं बिकॉज मुझे सेकंड वाला अमाउंट ऑलरेडी मिल गया है बराबर क्योंकि ये 1.42 और किधर रिपीट भी नहीं हो रहा है वैसे

10 12 1 8. आपको आएगा ठीक है तो ये आपका टोटल हो कितना प्लस पॉइंट सिक्स टू फाइव टोटल डेब हो गया वन पॉइंट सिक्स नाइन थ्री सेवन फाइव मैं वन पॉइंट सिक्स नाइन लेता हूँ ठीक है तो चलो पीएनएल वाले खर्चे पीएनएल के आइटम एक आएगा डेप्रीसिएशन वन पॉइंट सिक्स नाइन एक आएगा अनवाइंडिंग अप्रोक्सीमेट करू तो वो आएगा जीरो पॉइंट बराबर point, आ, तो कितना आएगा प्लस नजदीकी आंसर कौन सा देखो यही है वाला तुम समझ रहे हो इनों ने इन्होंने इनके लिए पी में एल वाले खर्चे वो कंसिडर नहीं किया है तो बाई चांस सेम चीज आ जाए ध्यान रखना और कभी ये आंसर रिपीट हुआ तो देखना क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है आपके लिए आपको समझता है तो इसका आंसर क्या है सी उसके अलावा फिफ्थ एमसीक्यू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइन कैपिटलाइज इनिशियली ऑन थर्टी फर्स्ट मे थर्टी फर्स्ट मे को क्या वैल्यू थी तो मैंने ऑलरेडी निकाला था सिक्स निकाली ना थी ना अपन ने कि थर्टीन पॉइंट टू सिक्स चलो ये लो तीन एमसीक्यू खत्म हो गया सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आते हैं क्या बोलता है

न बी सक्सेसफुली डिफेंडेड मतलब अगर आपका मोर देन फिफ्टी परसेंट का ऑब्लिगेशन है तो कहीं ना कहीं बन जाता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के लिए आप हमेशा प्रोविजन बनाते हो अब प्रोविजन कैसे बनाएंगे तो क्या हम वन पॉइंट सिक्स इंटू सेवेंटी फाइव परसेंट करेंगे द आंसर इज नो आप परसेंटेज है, है तभी मल्टीप्लाई करते हो जब बहुत सारे पढ़ते हैं मल्टीप्लाई करते बट वन दर इज ओनली वन आउटकम पॉसिबल या तो भरना है या तो नहीं भरना है तो वी टेक द मोस्ट लाइकली अमाउंट मेथड मोस्ट लाइकली में आप कभी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई नहीं करते तो आप पूरा वन का बनाओगे प्रोविजन ठीक है चलो अब देखते हैं इसके लिए एमसीक्यू क्या था ये एमसीक्यू नंबर थ्री था इसको लेकर उंटिंग ट्रीटमेंट कंपनी फॉलो तो सबसे पहले प्रोविजन बनना चाहिए अब प्रोविजन का बनेगा तो यहां देखो अगर आप सेवेंटी फ़ाइव परसेंट करोगे भी तो भी आंसर आपका मेरे ख्याल से वन पॉइंट टू आता है ऑप्शन ही नहीं इधर नियस्ट ऑप्शन क्या प्रोविजन ऑफ वन पॉइंटिंग चार्स टी एन सिंपल क्लियर तो आपका एमसी को नंबर मेरे ख्याल सेवरी वन ये भी अपना हो गया अब आ जाओ और एक थर्ड पार्ट बचाता है इसके अंदर क्या बोलता है

विथ कैश फ्लो इसका मतलब अगर असेट गिरेगा तो कैश फ्लो बढ़ेगा सिंपल अच्छा और लाइबिलिटी का होता है डायरेक्ट रिलेशन विथ कैश फ्लो इसका मतलब अगर लाइबिलिटी बढ़ेगा तो कैश फ्लो भी बढ़ेगा ठीक है ध्यान रखना अब वो बोलते हैं डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल असेट गिर रहा है तो वो बढ़ेगा आपका कैश इनवर्स रिलेशन डेप्रीसिएशन कैश आइटम इनडायरेक्ट मेथड में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग को अपन रिवर्स करते हैं तो ये एक्सपेंस होता है रिवर्स करने के लिए आपको एडबैक करना पड़ेगा इंक्रीज इन इवेंट्री असेट बढ़ रहा है तो ये लेस होएगा इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी बढ़ रहा है कैश फ्लो बढ़ेगा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है

MN in the CFS. चलो कुछ तो इन्वेस्टमेंट कैरी करने की बात करता देखते हैं अपन उसके बाद क्या बोलता है हाउ शुड एच अकाउंट फॉर द ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट एंड वाउचर गिवन टू कस्टमर ऑन सेल तो कोई तो कैश डिस्काउंट सेल ट्रेड डिस्काउंट और वाउचर की बात करता है आगे उंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिरेक्टलीस ऑफ टू लैस इंकड इन कनेक्शन विद्यू ऑफेबल डिवेंसरी कन्वर्टेल सी एफ आई होता है आप कभी भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंकर करते हो तो ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपको दोनों में एलोकेट करना पड़ता है आपको एफ एल में भी एलोकेट करना पड़ता है आपको इक्विटी में आलोकेट करना पड़ता है आप अगर इसके ऑप्शन देखोगे ना आप बिना केस पड़े आंसर निकाल सकते हो पता है कैसे ए बी और डी में

लेकिन सब्सिडरी पे अलग मेथड एसोसिएट पे अलग मेथड जॉइंट वेंचर पे अलग मेथड चल सकता है, क्यों? क्योंकि ये अलग -अलग है। तो सेम कैटेगरी पे पढ़े आंसर कर सकते हो देखो क्या बोलते हैं मेजर ऑल एट कॉस्ट नहीं एज एन ऑप्शन टू अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट इक्विटी अरे वो तो इक्विटी तो फॉलो करते हैं फॉर ईच इन्वेस्टमेंट मेजर एट कॉस्ट और इन बहुत सही लग रहा है लेकिन ज एन ऑप्शन टू मेजर ऑल सच इन्वेस्टमेंट आदर एट कॉस्ट और इन अकॉर्डिंग वन जीरो नाइन द ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर ईच कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट सेपरेटली मतलब या तो सब्सिडी पे कॉस्ट फेय फेयर वैल्यू असोसिएट के लिए अलग से देख सकते हो कॉस्ट फेयर वैल्यू जेवी के लिए अलग से देख सकते हो कॉस्ट फेयर वैल्यू दिस सीम्स टू तो बी द करेट ओ हो भाई बिना केस पड़े दो आंसर मिले मजा आ गया सर फिर बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी एसपी एंटेड बाई एच एस एल डिट द डेट वन एच एस एल गेन कंट्रोल तो कंट्रोल गेन करने की बात करता है ठीक है इसका भी क्या करना इसका अपन मीठा मीठा प्यारा प्यारा सोल्यूशन देख लेंगे कोई दिक्कत वाली अपने बात नहीं है क्या सबको यहाँ तक

As per the terms of SPA. SPA मतलब शेयर एग्रीमेंट मतलब आप थर्टी परसेंट खरीद रहे हो ना आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप ये ट्वेंटी और खरीद सकते हो आप फर्स्ट जून से लेकर 15 के में ये कभी भी कर सकते हो अगर आप ये भी खरीद लो ना तो कंट्रोल आपके पास आ जाएगा आगे The तो सामने वाले पार्टी को आपको बेचने का ऑप्शन भी है वो बोल रहा है डिसीजन ऑन रिलीवेंट एक्टिविटीज ऑफ एफ एम आर मेड इन एजीएमशन इन एजीएम ओके तो अब इसको लेकर पता है कौन सा एमसी को लास्ट वाला एमसी को था. क्या बोलता है वो विद रिस्पेक्ट टू एस पी एटेड बाई एच एस एल डिटर गेन कंट्रोल ओवर एफ एम सर कंट्रोल कैसे आया हमारे पास थर्टी परसेंट ही है. अब कंट्रोल का जो थियोर डेफिनेशन है वो क्या बोलता है अगर आपके पास कोई पोटेंशियल स्टेक है मतलब आपके पास आज तो थर्टी परसेंट है उसके अलावा ऑप्शन आपके पास की फ्यूचर में खरीद सकते हो है ना तो इसको भी अगर गिनते हुए आप तो आपके पास ऑप्शन कब से की आ तो आपके था ये फिफ्टीन जून से ऑप्शन नहीं है फर्स्ट जून से लेकर फिफ्टीन जून तक ऑप्शन है तो ये ऑप्शन अवेलेबल कब से दिस इज अवेलेबल फ्रॉम फर्स्ट जून अच्छा क्या आपको ये कोई खरीदने से रोक सकता है क्या वो बोलता है अगर आपको एजीएम बुलानी भी है तो 21 दिन लगेगा बुलाने में तो अगर कोई आज भी एजीएम बुलाएगा तो 21 डेज के बाद एजीएम आएगी और उसके बाद ही आपको रोक सकता है मतलब इन शॉर्ट आपको आज कोई भी रोक नहीं सकता एक्स्ट्रा बाय करने से अगर उनको पॉलिसी वगैरह चेंज करना हुआ रेजोल्यूशन पास करना हुआ ये चेंज का तो वो करना चाहे तो भी 21 दिन के बाद ही कर पाएंगे इसका मतलब अगर आपको लगता है कि आप ये 20 परसेंट एक्साइज करने वाले हो तो कंट्रोल कब से आ जाएगा आपके पास आपके पास कंट्रोल जिस दिन ही ऑप्शन है इसी दिन से आ जाता है फर्चू बराबर तो ये अच्छा एमसी क्यू है ठीक तो है ध्यान रखना तो फर्स्ट जून द करेक्ट कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सर सी कैसे हुआ कंपलसरी कन्वर्टेबल है तो आपका प्रिंसिपल पार्ट हो जाएगा इक्विटी इंटरेस्ट पार्ट होगा फाइनेंशियल लाइबिलिटी आगे ईच सीसीडी इज कन्वर्टेबल इनटू फाइव शेयर्स

टू लैक्स इंटू वन डिवाइड इंटू थ्री डिड बाई में हमेशा एक चीज आप भूलोगे भूलोगे हमेशा भुलोगे. अपने खुद के स्टेक से मल्टीप्लाई करना जितना आपका हिस्सा उतना ही काम करते हो इसके इसके अंदर तो फोर थाउजेंड आपका एक्सेस डेब आप लेस कर दोगे उसके अलावा एसोसिएट ने प्रॉफिट कमाया फिफ्टी थाउजेंड का इसमें अपना हिस्सा रिकॉर्ड करना फोर्टी परसेंट का तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना रहेगा फोर्टी परसेंट इट विल्वेंटी थर्टी फर्स्ट मार्च को क्या वैल्यू हो जाएगी आपके के बराबर इसको लेकर कोई एमसीक्यू को खाता देख लेता अपन तो इधर पहले ही था कि इन्वेस्टमेंट को कौन से पर रखेंगे सी एफ एस के अंदर एट लाख सिक्सटीन पर रखेंगे लोग सिक्स वाला एमसी क्यू हो गया एथ वाला एमसी क्यू हो गया और

तो आप उसको टू परसेंट का डिस्काउंट देते हो यहाँ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग वाला पॉइंट मत देखना वो कंपन का पॉइंट कब देख, तब देखते हैं अपन जब वो ड्यूरेशन इज मोर देन वन ईयर कि एक साल के बाद पेमेंट करना था एडवांस में आज पेमेंट कर दिया तो अपन देखते हैं सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपनी टाइम की नहीं है बाकी नॉर्मल ट्रेड का डिस्काउंट है माइनस कर देना रेवेन्यू के अंदर से उसके अलावा क्या बोलता है ऑल्सो प्रोवाइड्स वाउचर वर्थ रुप फाइव हंड्रेड फ्री में आपको वाउचर दिया वैलिडिटी कितनी है इसकी वन ईयर की विच कैन बी यूज एट एन अपेरल स्टोर ये डिस्काउंट वाउचर मतलब कैसा है एक तरीके से आपके लिए पांच रुपए का वाउचर दिया कभी भी जाना खरीद के ले आना पांच रुपए का कुछ भी आइटम तो इस इसको आपन क्या करते नॉर्मली इसको आपन एक रेवेन्यू का पोर्शन एलोकेट करते हैं और जितना भी रेवेन्यू इसमें एलोकेट होगा वो आप आज नहीं बुक करोगे, बुक करोगे करोगे फ्यूचर में मतलब इसको इस वाउचर वाले पार्ट को भी जितना रेवेन्यू एलोकेट होगा वो रेवेन्यू आप बुक करोगे सपोज फॉर एक्साम्पल आपको दस मिला ठीक है वाउचर वाले पार्ट को पांच सौ रुपया का सपोज एलोकेशन आया तो आप क्या करोगे आज आप रेवेन्यू से नाइन पॉइंट फाइव के बुक करोगे रुपए का रेवेन्यू जब वाउचर डी में तब बुक करते हो तुम समझ रहे हो क्या तो मतलब इस वाउचर को भी आप ने रेवेन्यू के अमाउंट से निकाल दिया तो बेसिकली अब वो पूछता है कैसे अकाउंटिंग करेंगे ट्रेड डिस्काउंट डिस्काउंट वाउचर की तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला सी वाला सारे ऑप्शन नहीं पड़ता करेक्ट आंसर की बात कर लेते ट्रेड डिस्काउंट कैट डिस्काउंट वैल्यू ऑफ वाउचर शाल सॉरी बी, नो ये सी नहीं सॉरी सॉरी ये डी वाला शाल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम रेवेन्यू शाल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम रेवेन्यू दिस इज द करेक्ट आंसर बराबर ध्यान रखना तो मैंने इसका लॉजिक भी दिया रेवेन्यू से रिड्यूस करना है, ध्यान ओके? चलो, बढ़ जा, तो डायरेक्ट एमसीक्यू ही था फिर, नीचे वाला मैंने कोई पैरग्राफ छोड़ा कि एक बार जरा देखने तो मुझे ये मैंने पढ़ लिया ये मैंने पढ़ लिया ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया और मैंने ये भी पढ़ लिया हाँ मेरे ख्याल से चलो मतलब एक एमसीक्यू तो था, था डायरेक्ट ये नाइन्थ वन एम सी को था डायरेक्ट उसको भी अपन ने सोल्व कर लिया तो ये भी ये मेरे पांचों एमसी को सोल्व होगा इज दिस दू एवरी वन केस बेस इनारो कैसे आएगा यह yes, सर चलो आगे बढ़ जाते हैं अब आएगा मतलब देखो नॉर्मली आर में ट्वेंटी क्वेश्चन आते हैं तो इन्होंने क्या बोला हमने पांच केस बेस्ड एम को पूछ लिए पहले केस इनारो में और पांच पूछा सेकंड केस नो में द, द, दस क्वेश्चन हो गए अब से दस ही क्वेश्चन बचे है मजा आ गया सर ठीक है अब आएगा इंडेस वन जीरो नॉर्मली मैं इसको कॉमन पुल में करवाता हूं जिन्होंने मेरे से क्लास लेकर उनको पता है कॉमन पुल क्या जिन्होंने कोई बात नहीं आपको पता रहेगा क्वेश्चन आपके मॉड्यूल वगैरह में भी होगा ठीक है तो ये उसमें आता है बाई चांस बाई चांस आपने नहीं किया हुआ है तो इसका सोल्यूशन मैंने वैसे डाला हुआ यूट्यूब पर एक बार एक सेकंड देना बताता हूँ आपके देखो आप जब मेरे

तो ये मतलब आप समझ लो इलेट्रेशन यूट्यूब पे भी है तो यूट्यूब पे भी आप जाके ढूंढ सकते हो मिल जाएगा वन वन जीरो वन जीरो थी वाला ठीक <coughs> है इसके और उसका सोल्यूशन भी एकदम भयंकर बड़ा करके देंगे सर हम याद कैसे करेंगे टेंशन लो मैंने आपके लिए बढ़िया समरी प्रिपेयर किया सोल्यूशन का याद कितना रखना है उसमें से की पॉइंट क्या है चलो वाह मजा आ गया सर आओ मैं आपको बता दू इस क्वेश्चन में क्या है सुनो मेरी बात

सीओ ओ ऑफ वस्त्रा मिस श्रीनिवासन अब मैकेनिकल इंजीनियर सबसे पहली बात एथिकल ड्यूटी वाले केस में अपने को यह सी सीए वाला बंदा कौन है ठीक है चार्ट अकाउंटेंट रिसेंटली ज्वाइन किया है रिस सर्विस में है मतलब ठीक है आपको पता है ना जब कोई बंदा सर्विस में होता है तो कौन सा पार्ट आता है मेंबर रहेगा तो कौन सा पार्ट आएगा बराबर जब जब भी भी मैंने लिख के भी दिया हुआ है जब भी, भी आप सर्विस में रहोगे तो आपको हमेशा पार्ट टू देखना है और मेंबर रहोगे तो पार्ट वन देखना है.

कि नॉर्मली इनको डिलीवरी करके देनी पड़ती है कस्टमर को तो नॉर्मली इनका मैं ऐसा मानता हूं कि पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि डिलीवरी के बाद इनको रेवेन्यू बुक करना चाहिए अब इन्होंने क्या किया है इन्होंने अपने बाजू वाले मतलब बाजू में लोकेलिटी में एक फैक्ट्री थी इथरनेट इनको माल बेचा लेकिन डिलीवरी नहीं किया तो आइडियली रेवेन्यू नहीं बुक करना चाहिए देखो इट इज नॉट नेसेसरी कि डिलीवरी नहीं हुआ तो रेवेन्यू नहीं बुक करे नॉर्मली ऐसे केस भी होता है जहां डिलीवरी नहीं हुआ फिर भी रेवेन्यू बुक कर सकता है बट यहां अगर आप इनिशियल लाइंस पढ़ोगे तो देख के लग रहा है कि डिलीवरी पे रेवेन्यू बुक करना चाहिए आगे देखते हैं अभी क्या बोलता है ठीक है तो अब दो द गुड्स वर नॉट मूवड टू इथरनेट बुलेट द सेल फॉर द ईयर ओहो सेल बुक कर लिया भाई साहब आगे minutes, बोलता है अरे बाजू में ही तो है। चाहो तो दो मिनट में डिलीवर कर दूंगा ब्लिंकट है तो कर दो किया क्यों नहीं फिर जब इतना ही नजदीक था तो कर देता डिलीवर अब देखो मजा एनुअल रिजल्ट्स आर ड्यू फॉर बोर्ड अप्रूवल ओके

ट मेनी मोर बेनिफिट इफ शीज टू प्रेजेंट दंबर्स विदाउट एनी मॉडिफिकेशन अब देखो जान बुझके ये सब चीजें बोले जा रही है मतलब कहीं ना कहीं देखो चोर की दाढ़ी में तीन कहा तुमने चोरी की तभी तो तुम इतना शुड शीड्री विदेंशन अबो मतलब साइन नहीं किया तो निकाल भी देखो ऐसे बोल रहे आपको इतना सा बेनिफिट देंगे साइन कर दो और बेनिफिट देंगे नहीं करोगे कोई बात नहीं लाइन में और भी है इंप्लॉइज हमारे पास डरा रहे तुमको बोलता है रिक्वायर्ड डिस्कस द पोटेंशियल आर अराइजिंग इन अब सिनारियो अब जब आप अपना सोल्यूशन देखोगे आर टीपी के अंदर बहुत बड़ा सोलूशन दिया हुआ है मैंने कोशिश किया है मैं आपको समराइज करके दूँ। आप इसी फॉर्मेट में एग्जाम में भी आंसर कर सकते हो ठीक है सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या दिक्कत है वो बताना कौन से इंडेक्स के रेफरेंस में आप देखे इंडेस वन वन फाइव वही रेवेन्यू की बात कर तो वन वन फाइव में एज पर वन वन फाइव नाम नंबर बताना और बोलना शेल बुक नहीं होना चाहिए बिकॉज डिलीवरी पेंडिंग है ठीक है और ये जो कंटेंशन वो दे रहे ना कि बाजू में ये कभी भी डिलीवर कर देंगे दो मिनट में डिलीवर कर देंगे अब क्योंकि इन्होंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत किया तो अकाउंटिंग में क्या फॉल्ट है आपका रेवेन्यू ज्यादा बुक हुआ रहेगा और इन्वेंट्री आपकी कम बुक हुई रहेगी बिकॉज आप रेवेन्यू बुक कर चुके हो ना तो रेवेन्यू आपका इन्फ्लेट हो गया इन्वेंट्री आपकी कम बुक हुई है तो यह गलती हो गई आपसे अब इसमें एथिकल इशू क्या है एक तो आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्यों एक तो आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको फेवरेबल रेवेन्यू देना है लेकिन एक तरफ आपके ऊपर ड्यूटी भी तो है कि आप इस कंपनी के एफएस साइन करोगे तो स्टेक होल्डर के समेत आपकी ड्यूटी है एक तरफ आपका पर्सनल फायदा दूसरी तरफ दूसरों का स्टेक होल्डर्स का ड्यूटी इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो गया एथिकल इशू हो गया सेकंड अगर आप ये साइन करते हो अनजाने में भी बोलते हो अरे मुझे पता ही नहीं था तो कॉम्पिटेंस ही नहीं आपके अंदर एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ये दो चीज ठीक है अब अप्रोप्रियट एक्शन क्या होना चाहिए सुपर्णा दास गुप्ता क्या कर सकती है तो बोलने का सबसे पहले शीज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द ट्रुथ शी शुड पुट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी फर्स्ट अवॉइड मिसरिप्रेजेंटेशन एंड अवॉइड इन्फ्लुएंस किसी के दबाव में मत आओ एंड शी शुड नॉट साइन एफ एस कंटेनिंग इन करक्ट इन्फॉर्मेशन तो इसमें आप ऐड भी कर सकते हो इनको चा, उनको पहले बोलना चाहिए कि या तो सही करो तो ही साइन करेंगे नहीं कर रहे तो यू कैन ऑप्टेन सम लीगल एडवाइस वगैरह या फिर आपको फिर छोड़ लास्ट में जाकर छोड़ना पड़ सकता है ठीक है अब इसमें अगर आप कर भी दोगे साइन तो कौन सा मिसकंडक्ट आएगा क्लॉज वन पार्ट टू सेकंड शेड्यूल का इन लोग क्लॉज वन ही कोट करते हैं इन केस ऑफ सर्विस ध्यान रखना ठीक है से, 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 सेकंड स्कड्यूल का तो मैंने ये जितना भी इन्होंने आईसीएन आंसर किया उसका समराइजेशन देने का ट्राई किया आई होप दिस इज हेल्पफुल और ये हेल्पफुल है इसी बात पे सब्सक्राइब के बिना यहां तक देखा हुआ है ना वरना ना वो करो और लाइक टका एक ही बार दबा ना लाइक हाँ चलो और ये मैं डाल दूंगा मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा ये आपको वहां से मिल जाएगा तो आपके लिए देखो मैंने ये चैप्टर बड़ा आसान किया हुआ ये एथिक्स सेन वाला क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ किस फॉर्मेट में आंसर करना उतना डिफिकल्ट नहीं है वो ठीक है ध्यान रखना

ठीक है सेकेंड आपकी बोरिंग कॉस्ट इंकर होना शुरू हो जाना चाहिए थर्ड आपका जो काम है काम भी शुरू हो जाना चाहिए साइट वर्केंड ऑन फर्स्ट जून सिंस द चीफ इंजीनियर ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज ऑन मेडिकल लीव द कंपनी कमेंड द फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑन फर्स्ट जुलाई देखो फिजिकल वर्क कब चालू हुआ फर्क नहीं पड़ता

इज नॉट कॉमन इन शिमला एंड डिले इन अप्रूवल इज अ माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अब होता क्या सुनना आपन कैपिटलाइजेशन के अंदर एक और चीज डिस्कस करते सस्पेंशन कभी तो कभी अगर कोई एक्टिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा है प्रोजेक्ट में तो उस समय आप जो इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन है वो स्टॉप कर देते हो है ना अब अगर ये एक्टिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा है मतलब जैसे अपने यहां लैंडस्लाइड की वजह से काम रुका हुआ था ठीक है अभी अगर अब नॉर्मल रीजन है मतलब ये हर बार नहीं होता है पहली बार हुआ है अब नॉर्मल चीज है तो आपको कैपिलाईजन स्टॉप करना पड़ेगा लेकिन अगर ऐसा बोलो कि ये स्लाइड तो होते रहता है इट इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन तो फिर आप स्टॉप नहीं करते कैपिलाइजन को फिर आप उस समय भी कंटिन्यू करते हो कैपिटाइजेशन बट यहां पहले पार्ट में क्या बोला है लैंडस्लाइड इज नॉट कॉमन मतलब चीज़ यह, इसमें आप सस्पेंड इंटरेस्ट का तो सिर्फ पहले के चार महीने लिए बीच का समय क्या अप्रूवल फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क लेफ्ट ओवर मतलब अप्रूवल सिक्सटीन मार्च को आया है ट्वेंटी रेडी होने के बाद भी पंद्रह दिन लेट अप्रूवल आया इट इज ओके मतलब ये छोटा मोटा काम है इसको आप एम देते नहीं हो तो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि आप ये

अगर कॉमन है है तो 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 इट इस नेसेसरी पार्ट ऑफ योर वर्क वर्क एंड अप्रूवल अप्रूवल इज अ मेजर मतलब आप ये नहीं 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 कह सकते कि फेब तक काम काम हो गया, तो हो गया. नहीं, नहीं. आना भी बहुत बड़ा केस केस में वाले में वाले फिर आपका चालू होता है फर्स्ट जून से आप बीच में कोई सस्पेंशन करोगे नहीं एंड यू कैन से

है ना तो ये एडजस्टिंग ही होता है चोरी पहले हो गई थी चोरी के बारे में मालूम आपको बाद में पड़ा एडजस्टिंग ही होता है समझ रहे हो ध्यान रखना अब एडजस्टिंग है तो मैं क्या करूं आगे पढ़ते द कंपनी टू अलाउ द कस्टमर टू सेटल द डेट बाय थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन एक साल का आपने और मोहलत दे दिया उसको बोला अभी थर्टीन तो हो गया अभी फोर्टीन में तू भरना कोई बात नहीं तो एक साल आप समय दे रहे हो उसको आगे। तो आपको कोई प्रोविजन वगैरह बनाना पड़ेगा ना कस्टमर को लेकर ठीक है द कंपनी एक्सपेक्ट दैट एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ नाइन परसेंट

109 का अमाउंट क्या रहेगा सिक्सटी लैक्स माइनस फाइव फाइव जीरो आएगा मेरे ख्याल से फोर नाइन फोर वन थ्री इफ आई एम नॉट रॉन्ग फोर नाइन फाइव फोर वन थ्री प्लीज लिख के रख लो इसको भाई क्लियर है वाला पार्ट क्या सर ये नया ये तो कुछ गजब ही था सर अजब ही गजब था पूछा क्या डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ उंट टू बी शोन एज ट्रेड रिसवल एज ट्रेड रिसीवेबल अपन थर्टी फर्स्ट मार्च को इतना ही दिखाएंगे और क्योंकि एडजस्टिंग इवेंट है तो लॉस अपन इस साल में बुक करेंगे फॉर दर इन थर्टी फर्स्ट मार्च थर्टी तो ज्ञान देख सकते हैं मजेदार क्या बोलता है B Limited has valued its stock held for distribution as free items, claim by customers at zero. होता क्या है ये ना कस्टमर को फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं जैसे मैं सपोज ऐसा मैंने किताब वगैरह छपवा ली अपनी एफ आर की और मैंने बोला चलो तुमको फ्री में दूंगा हार्ड कॉपी वगैरह ऐसा तो अब मेरे लिए इसकी वैल्यू क्या वही मेरे को इसके ये देखे तुमको तुम तो पैसा मिलने वाला तो है नहीं तो इसने इस सारे स्टॉक को जो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले उसको जीरो पर वैल्यू कर है

टू लैख फिफ्टी फॉर एक्साम्पल अब इसका मतलब क्या सपोज मैंने आपने जो भी स्कैन वगैरह किया अब आई एम लाइबल टू गिव यू द बुक्स फ्री में अब वो जो बुक्स फ्री में देनी है उसमें भी डैमेज निकल के आ गया तो मेरे को उसके बदले नया बुक छपा के देना पड़ेगा ना आपको तो उसका खर्चा कितना टू लैख फिफ्टी तो खाया पिया कुछ नहीं गिलास थोड़ा बारा ना ये बोला हिसाब हो गया बराबर एक तो वैल्यू जीरो अब मुझे क्या ये लॉस को आज बुक करना चाहिए क्या डिटरमाइन वेदर द एंटिटी है

गया किधर गया ये स्टॉक ऑफ फ्री आइटम्स इन्वेंट्री स्टॉक इज सब्जेक्ट टू वेरियस विद इन फोर्टीन डेज और रजिस्ट्रेशन विद इन थ्री डेज हाउ एवर प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर द गुस टू बी डिस्ट्रीब्यूट इनकेस इनकेस क्लेम्स फ्रॉम कस्टमर्स

ठीक है दर इज नथिंग न्यू इन दिस ये सेम अच्छा होता क्या बेसिकली जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो जैसे मैंने घर खरीदा तो घर के बाहर जो कॉमन एरिया है अब वो कॉमन कॉमन एरिया मतलब जहां अपन जूते चप्पल रखते हैं ना बीच में वो क्या बोलते हैं उसको लॉबी तो लॉबी एरिया भी आपको थोड़ा बहुत आपको बिलोंग करती है वो लॉबी एरिया भी तो वो लॉबी एरिया को मैं एक सेपरेट परचेज और मेरे घर को सेपरेट मानू सेपरेट पीओ मानू दोनों को कि सिंगल पीओ मानू वो बोलता है ठीक है तो इसके रिगार्डिंग मतलब आधे आंसर तो इन्होंने बोला डिपेंड्स एनालाइज करना पड़ेगा तो वैसे बट इस केस में तो वो एक सिंगल है ना घर के साथ ही कॉमन एरिया मिलता है तो मिलता नहीं कॉमन एरिया कैसा तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन है तो पढ़ लेना एक बार अरे प्लीज डोंट स्किप आ प्लीज एटलीस्ट रीड वंस ध्यान रखना फिर इंडेस वन वन जीरो आपको पता है मैंने आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई थी अभी मैंने बोला था क्वेश्चन वन जीरो थ्री का है

वन जीरो थ्री वन वन जीरो का एक ट्रिकी क्वेश्चन वाला बीस मिनट का वीडियो था उसमें मैंने वो वन जीरो थ्री का भी करवाया और ये क्वेश्चन भी करवाया वो एक ही वीडियो में दोनों क्वेश्चन कवर्ड है तो देख लेना भाई अरे नहीं याद क्या दिखाया था ना आपको किधर गया वो समझ गया ना तुम दिखाया था अभी वो आ नहीं रहे किधर गया समझ गया ना ठीक हाँ, है समझ गया सर समझ गया अब आखिरी क्वेश्चन क्या बात करो कर सर आखिरी क्वेश्चन हाँ आखिरी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तुम्हारा आरटीपी क्या बोलता है सुनो वन जीरो टू का है मैं आपको बताऊँ ये बेसिकली क्या है

25 तारीख डिलीवर हुआ फर्स्ट नवंबर को नॉर्मली डिलीवरी के देनी ही सेल बुक होता है ठीक है अग्रीड परचेज कंसिडरेशन वॉज वन लैख फिफ्टी एंड द फेयर वैल्यू ऑफ मशीन सप्लाइड वॉज वन लैख सिक्सटी मतलब ये वन लैख फिफ्टी, फिफ्टी कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आपको हमने मैंने क्या बोला पहला प्रेफरेंस दोगे फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिसीव्ड मशीन आई है मशीन का फेयर वैल्यू कितना है वन तो आप मशीन को रिकॉर्ड करोगे वन सिक्सटी लैक्स के ऊपर यहां करोगे इक्विटी शेयर जितना भी फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू में जाएगा बाकी जो भी एक्सेस हो प्रीमियम में जाएगा आपको बोला हुआ है कि एज इशूड या लाख इक्विटी शेयर फेस वैल्यू तो वन लैक इंटू हंड्रेड दट इज हंड्रेड लैक्स आपका बनेगा इक्विटी शेयर और बाकी बनेगा प्रीमियम सिक्सटी लाख रुपीज का ध्यान रखना ऐसा होता है अब पूछा क्या एंट्री वगैरह पूछे पूछी तो देना एंट्री वरना मत देना पूछा क्या देखो एज पर इंडेस वन जीरो पेमेंट वॉट शुड बी द प्राइस एंड डेट फॉर रिकॉर्डिंग मशीन परचेज फ्रॉम आर एफ डी प्राइस क्या रहेगा तो बोलने का वन सिक्सटी लैक्स डेट क्या रहेगा तो मैंने क्या बताया नॉर्मली सेल डिलीवरी के दिन पे होता तो फर्स्ट नवंबर खत्म कहानी हो गया आर ओवर क्या बात कर रहे हो सर हो गया सर मज़ा आ गया आई होप आपको मजा आया ठीक है और इसमें सबसे स्पेसिफिकली वो जो प्रोफेशनल एथिक्स वाला पार्ट था वो भी अच्छा था ठीक है तो केस नो किया एथिक्स वाला किया जो भी इन्होंने पूछा वो सब किया तो आई होप दिस वॉज अ गुड हेल्पफुल वीडियो कोशिश किया है कि आपका मैं टाइम सेव करूँ डिटेल में करूँ येट सेविंग द टाइम ओके तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल अगेन आई रिपीट अच्छे से करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट जो क्वेश्चन सिमिलर भी थे प्रैक्टिस जरूर करके जाना ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि एक बार किया तो आ जाएगा प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आप इंप्रूव करोगे ठीक है सो ऑन दैट नोट लेट्स रैप अप दिस सेशन आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम जब भी आपका अटेम्प्ट है प्लीज अच्छे से देना अच्छे से मेहनत करो बहुत सारी पढ़ाई करो बहुत सारे हार्डवर्क करो डेफिनेटली आप सक्सीड करोगे ठीक है और ये जो फाइल अगेन मैं बता दू टेलीग्राम मैं डाल दूंगा आप वहां से डाउनलोड कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब के बिना देखा होगा पूरा वीडियो तो आप तो सब्सक्राइब कर लेना ठीक है तो शुक्रिया एवरी वन थैंक यू सो मच और अगर आपके किसी फ्रेंड को भी दिक्कत हो रही है इस आर टी के अंदर शेयर जरूर करना बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग चलो थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर सी यू ऑल